इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.2 एंड 9.3। कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? 2, 3, 4, 5, 6। पता नहीं आप लोगों ने तो आधी किटी भेज दी है, बट चलो कोई मसला नहीं। ओके, बीबीपी किट 9.2 एंड 9.3, ये पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ है। 9.2 में क्या पूछ रहा है? मैंने अभी डेटा रीड ही नहीं किया, रिक्वायरमेंट रीड कर रहा हूं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट करेक्टली परफॉर्म द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन सेल B17। B17 कौन सा है? ये B है और ये 17 है, और इसके आगे यहां पे लिखा हुआ है नेट। तो नॉट करेक्टली परफॉर्म द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन सेल B17 एज्यूमिंग द रिमाइंडर ऑफ द स्प्रेडशीट इज कंप्लीट। पहले तो आप ये सारा क्वेश्चन रीड करो, फिर रिक्वायरमेंट रीड करो, फिर गैस करो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। B17 के बारे में पूछ रहा है, यहां पे जब हम आंसर निकालेंगे तो कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास और कौन सा नहीं हो सकता। सर सी सी सर मुझे यू लगता है, ए लग रहा है। ओके कर लेते हैं। देखो करना क्या है, कॉलम है बी, बी में इन्होंने पहले दी हुई है फीस, फीस ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी। अब यहाँ पे वैल्यूज कोई नहीं दी हुई, वैल्यूज इन 3 मंथ्स को टोटल करके आ रही है, ये वाले जो एक्सपेंसेस है ये वैल्यूज इन तीनों को टोटल करके आ रही है, लेकिन यहाँ पे दी नहीं हुई। हम एज्यूम कर लेते हैं फीस है 1000, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जैसे सैलरी, पोस्टेज, टेलीफोन, और फिर हमने कैलकुलेट करना है नेट नेट अमाउंट। अब सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 100, 150, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपनी एग्जाम में भी आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हो अगर इतना लंबा क्वेश्चन आ जाए, और ये 100। अब इसमें करना क्या है, हमने करना ये है कि ये 1000 लेना है, इसमें से ये तीनों वैल्यूज को माइनस करना है एंड वी विल गेट दी ऑप्शन। पहले सिंपल वे से कर लेते हैं, 1000 लेना है, उसमें से सैलरी निकालनी है, पोस्टेज एक्सपेंस निकालना है, 100 निकालना है, एंटर करना है, आंसर हमारे पास आना चाहिए 650। क्लियर विद दिस थिंग सो फार? ये करना है। अब वो पूछ रहा है कि इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं, कौन सा इन चारों में से तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन लगाते हैं B4 माइनस सम B7 से B15। B7 से B15 सारे एक्सपेंसेस हैं, B4 जो है फीस है, कर लेते हैं। फीस ली हमने, B4 माइनस सम ब्रैकेट ओपन सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 650। तो ए ऑप्शन जो है ये तो ठीक है। अच्छा आपने नॉट नहीं देखा था, ये कह रही थी अक्सा आप? जी। ओके, तो अगर नॉट देख लेती तो फिर ऑप्शन ऑप्शन सी ठीक है, देख लो। ऑप्शन सी ठीक नहीं है तो ये इनकरेक्ट है, बल्कि ए बी और डी जो है अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 650 ही आंसर आएगा, सी यूज करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस थिंग? मुंतहा ने तो ठीक किया ये। एंड अक्सा? यस सर। ओके, जरूरत है एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे ऑप्शंस, अगर समझ आ गए तो ठीक है। नहीं तो समझ आ गया। ओके वेरी गुड। देन 9.3 है, You wish to make your model more sophisticated to include the percentage change in revenue month by month is required. हर महीने revenue कितना change हो रहा है ये हमने calculate करना है यहाँ भी। Okay, which of the following alternative best express how you would input this requirement into your spreadsheet? अब यहाँ पर options दिए हुए C4 और D4 divide by D4. C ये है, D ये C column है जून का, D है मई। मैं पहले डेटा को सिंपल कर दूं, एक जून है जो कि सी कॉलम में है, डी कॉलम में है मई, ई कॉलम में है अप्रैल। अब इन तीनों में हमें दिया हुआ है फीस जो है ये 22,000 है मई की, जून की है 21,500। अब वो सी और डी वाला ओनली ले रहा है तो मतलब ये कि इन दो महीनों का वो डिफरेंस निकालना चाह रहा है इन परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या होना चाहिए? पहले ये कि सी की आप सेल्स लोगे, उसको माइनस करोगे डी से, फिर उसको आप डिवाइड करोगे डी पे जो कि पिछले मंथ की सेल है,
या आप एंटर करोगे तो ये तो कुछ वैल्यू आ रही है, परसेंटेज में तो नहीं आ रहा। तो परसेंटेज के लिए क्या तरीका होना चाहिए, इसको अगर मैं परसेंटेज पे करके करूं, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ, तो ये भी सही परसेंटेज नहीं आ रही, कुछ बहुत हजारों में आ रही है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि प्रीवियस मंथ सॉरी करंट मंथ जो कि है जून, इसकी फीस लेनी है, इसको माइनस करना है प्रीवियस मंथ जो कि मई की फीस है, और उसको डिवाइड करना है प्रीवियस मंथ जो कि मई की फीस है, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा कि मई से जून में कितनी सेल इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। ओके, अब ये फॉर्मूला तो हमें पता चल गया है, चार ऑप्शंस है, कौन सा तरीका बेस्ट है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, सो गिव इट अ ट्राई और बताएं कौन सा ठीक है। सर सी सी आंसर गलत आ रहा है, बहुत बड़ा आंसर है। कर लेते हैं, आज एक्सेल खोला हुआ है आपके साथ में? नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूं। ओके, अगर ये नहीं अब तक फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना तो आपको कंफर्म नहीं होगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। मैं सी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो कि बुक में दिया हुआ है, इसमें एक्स 100। एक्सेल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मुंतहा, तो हम एक्स यूज करते हैं या स्टेरिक यूज करते हैं? स्टेरिक। स्टेरिक यहाँ पे क्या किया हुआ इसने, ब्रैकेट को इग्नोर कर दो, सी फोर माइनस डी फोर डिवाइड बाई डी फोर, ये तो ठीक है। एक्स 100 जो आपने एक्सेल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला में, अगर आप एक्स लगा दोगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा उसको, तो ये क्या करें, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं है, सी तो नहीं है। क्लियर हो गया ये मुंतहा कि सी क्यों नहीं है? यस सर, एक्स तो हो ही नहीं सकता, मैं जब लिखता हूँ नॉर्मली तो एक्स लिखता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला में तो स्टेरिक आएगा, तो सी तो नहीं है। अक्सा व्हाट डू यू थिंक? कल जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे उसको आपने एक्सेल में दोबारा किया प्रैक्टिस, फिर किसी ने किया? जी सर मैंने किया। वेरी गुड जी, अक्सा आप क्या कह रही है? सर आई गेस बी। बी बी भी देख लेते हैं, इज इक्वल टू सी फोर, सी वाला वैल्यू ये है, माइनस डी वाली वैल्यू मई की है, देन डिवाइडेड बाय D वाली वैल्यू, ये एंटर कर दिया, फिर इसको एज अ परसेंटेज कर दिया, तो ये तो इतनी परसेंटेज आ रही है, क्या ये ठीक है? होना क्या चाहिए, कैलकुलेटर है ए? आप दोनों के पास कैलकुलेटर्स हैं? यस सर। आप लोग वैल्यू इनपुट करो 21,500, उसको माइनस करो 22,000 से, इज इक्वल टू आ रहा है 500, डिवाइड करो मई पे 22,000 माइनस 0.2 और मल्टीप्लाई करें उसको 100 से, ये आ रहा है माइनस 2.27 और यहां पर तो ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली बी भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, अब कौन सा है? सर बी क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना। माइनस में क्या वैल्यू आ रही है देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 2.2 इक्वल टू सी में ये वैल्यू है, माइनस डी में ये वैल्यू है, डिवाइड स्लैश डी फोर, फिर ये लिया ये वाली वैल्यू, एंटर किया और इसको फॉर्मेट किया एज अ परसेंटेज, जर्नल में गए परसेंटेज लिया, ये आंसर आ रहा है 2149900.00%, ये तो आंसर है ही नहीं, आंसर तो कुछ 2.4 कुछ आ रहा है, तो ये तो आंसर है। कैलकुलेटर में किया तो यही आ रहा है -2.27 जी, कैलकुलेटर में तो आ रहा है, कैलकुलेटर वाला आंसर एक्सेल में भी आना चाहिए, तो ऑप्शन बी से तो नहीं आ रहा, आपने ये नहीं देखना कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है, वो तो सिर्फ चेक करने के लिए मैंने आपको बताया, एक्सेल में ये हमने निकालना है, तो ऑप्शन बी वाला जब हम फॉर्मूला या वर्किंग कर रहे हैं तो उससे तो ये आंसर आ रहा है 2.4, वो तो आ ही नहीं रहा, ये वाला आ रहा है, तो एक्सेल में कैसे निकालेंगे, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ए और डी में से कौन सा हो सकता है? आप दोनों को ना एक्सेल खोलना पड़ेगा और एक्सेल पे हमेशा ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं करूंगा,
डी हो, एक्सेल में कम ही नहीं होता. क्या नहीं होता अक्सर? ये जैसे आप माइनस करते हैं जी, तो ऐसे क्या नहीं होता? ये मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, जब ना हो कोई मसला नहीं, मुझे बता दो, मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, उसमें रिवीजन में करवा दूंगा, कोई मसला नहीं. लेकिन एक्सेल पे वर्किंग करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में, क्योंकि एक्सेल प्रॉब्लम पता है क्या, एक्सेल का है तो दो चैप्टर, लेकिन मसला ये है कि ये जब आप नेक्स्ट पेपर पढ़ोगे एमए टू का, उसमें एक्सेल के चैप्टर फिर नहीं है, सिर्फ एमए वन में. तो एग्जामिनर को पता है कि एमए टू में तो ये टेस्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ वो इतना टेस्ट करेगा कि आधे पेपर में आधे क्वेश्चन एक्सेल के भी आ सकते हैं, नो बडी नोज. तो इसलिए ये पंगा होता है, तो इसलिए करना पड़ेगा. अच्छा, मुंतहा आपने कौन सा गेस किया अभी फिर? बी. बी कर लेते हैं, इज इक्वल टू सी फोर वाली ये वैल्यू है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है, ये हमारे पास इस तरह कुछ आ गया. इसको फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं परसेंटेज पे, ये तो 97.73 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है, कैलकुलेटर पर तो डिफरेंट आ रहा है. तो बाकी बच गया ऑप्शन ए. ऑप्शन ए देख लेते हैं. पहले आपने करना है इज इक्वल टू, देन ब्रैकेट ओपन, देन सी फोर ये वैल्यू है, माइनस डी फोर ये वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डी फोर ये वैल्यू है, इसको एंटर करना है और फिर इसको एज अ परसेंटेज फॉर्मेट कर देना. कैलकुलेटर वाला आंसर आ रहा है? Yes. Yes. मैंने पहले ए बोला था ना, आपने कहा था गलत है, मैंने आखिर में डी बोला. Seriously? अच्छा मैंने सुना नहीं, सॉरी, फिर ध्यान नहीं रहा होगा. जी सर, मैंने बोला था माइनस 2.2, आपने कहा नहीं होगा. अच्छा नहीं, आई थॉट कि आप ये कह रहे हो कैलकुलेटर पे. यार ठीक है, अगर आपने बोला तो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. अक्सर आपको क्लियर हो गया? जी है थोड़ा ट्रबल सम है, मुझे पता है एक्सेल तंग करता है, मैं बन में बहुत तंग करते, लेकिन करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं.